goals. Okay, now see, the first thing that you need to do, the first thing that you need to do is convert the bond line into your normal structure. Carbon number 1, carbon number 2, carbon number 3, carbon number 4, carbon number 5, carbon number 6, carbon number 7. यानी कि 7 कार्बन है, ठीक है, और फोर्थ कार्बन पे OH है और फोर्थ कार्बन पे ही CH3 है. एग्जैक्टली, ठीक है, तो फोर्थ कार्बन पे ही CH3 है, फोर्थ कार्बन पे ही OH है, तो आपका नाम क्या हो जाएगा, प्रीफिक्स में क्या आ जाएगा, ए मुक्का फो मिथाई. बिल्कुल सही, ठीक है. और ये वाला तो सिंपल था, ये बी वाला तो सिंपल था बेटा. ऑक्सो आप कीटोन को डालते हैं अगर उससे ज्यादा प्रायोरिटी वाला ग्रुप सफिक्स में आ गया तो, ठीक है, तो वो प्रायोरिटी ग्रुप के अकॉर्डिंग चलेगा. तो आपका ये साइक्लोहेक्सेनॉल हो गया, इतना इजी था. अब ये देखो, हाँ जी बेटा, OH को सफिक्स में लिया है, ये देखो OH सफिक्स में है, OH सफिक्स में है. प्रीफिक्स में इसलिए नहीं लेते क्योंकि सेकेंडरी सफिक्स एक चाहिए होता है, जो हमारा प्राइमरी जो होगा ना, जिसका जैसे कि अल्कोहल का OL बन जाएगा, एल्केन का ANE बन जाता है, तो ऐसे सफिक्सेस होते हैं और प्रीफिक्सेस होते हैं. तो कुछ चीजें सफिक्सेस में आते हैं लेकिन उससे ज्यादा प्रायोरिटी वाला ग्रुप आ गया तो वो सफिक्स प्रीफिक्स में बदल जाएगा. जैसे अगर अगर मेरे पास ऐसे CH3, ओके, OH एंड COOH है. अब बेटा ये हायर प्रायोरिटी वाला है, तो सिंस ये हायर प्रायोरिटी वाला है, एग्जैक्टली दैट विल गो इन द सफिक्स. ये जो अल्कोहल है, अल्कोहल अब सफिक्स में नहीं आ सकता क्योंकि सफिक्स तो दो ही आ सकते हैं, वो प्रीफिक्स में चला जाएगा. तो इसका नाम क्या हो जाएगा, टू हाइड्रोक्सी इथेनोइक एसिड, तो ऐसे नाम हो जाएगा, ठीक है. अब बेटा सी वाला देखो, सी वाले में देखोगे तो सी वाले में आपके पास क्या है, कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 3, कार्बन नंबर 4, कार्बन नंबर 5, कार्बन नंबर 6, 6 कार्बन का लॉन्ग चेन हो गया, 6 कार्बन का लॉन्ग चेन हो गया. यहां पे कुछ भी नहीं है तो इसका मतलब मिथाइल का ग्रुप है, यहां पे ये 2 कार्बन का ग्रुप है यानी कि ये इथाइल का ग्रुप है, ठीक है. अब नंबरिंग कैसे करोगे, ओके, अभी देखना, अभी फिर से देखना. हाँ जी बेटा, हाँ जी, OH तो बेटा OH तो इट्स फंक्शनल ग्रुप. अगर देखोगे तो मैंने जो लिखा है ना उसके अकॉर्डिंग मैं उसका ना ऐसे नॉर्मल स्ट्रक्चर बनाता हूं. कार्बन नंबर 1 CH3, कार्बन नंबर 2 CH2, कार्बन नंबर 3 CH के साथ ब्रांच में CH3, कार्बन नंबर 4 CH के साथ ऊपर C2H5, कार्बन नंबर 5 के साथ CH के साथ OH, और फिर कार्बन नंबर 6 CH3. तो ये ऐसे हो गया. हाँ, अब ट्राई करो. गलत जवाब, यस बेटा, अब देखना. अब बेटा ओल को छोटा नंबर मिलना चाहिए, ओल को छोटा नंबर मिलना चाहिए, 1, 2, 3, 4, 5. अब आपके पास, मैंने हमेशा आपको क्या कहा, प्रीफिक्स लिखो पहले. प्रीफिक्स में क्या आ गया, प्रीफिक्स में लिखने का तरीका फिर से देखो. प्रीफिक्स में क्या आ गया, 4 नंबर पे मिथाइल का ग्रुप है, 4 नंबर पे मिथाइल का ग्रुप है, 3 नंबर पे इथाइल का ग्रुप है, 3 नंबर पे इथाइल का ग्रुप है, ठीक है. अब आपका ब्रांच कोई वो है, अब आप आओ रूट नेम पे. रूट नेम में 6 कार्बन है तो हेक्स. प्राइमरी सफिक्स क्या हो जाएगा, सब में सिंगल बॉन्ड है, एन. सेकेंडरी सफिक्स क्या हो जाएगा, 2 नंबर पे ओल है. अब इस पूरे को लिख दो,
और याद रखना प्रीफिक्स जब लिखोगे तो इट इज एन अल्फाबेटिकल ऑर्डर. एग्जैक्टली, वेरी गुड. अब आया समझ में? 3-ethyl-4. अरे ये क्या हो रहा है, मेरा वीडियो तो ऑन नहीं है. हाँ ठीक है, एक सेकंड वीडियो ऑफ करने दो, उसके बाद तो फिर ये इधर उधर भागेगा नहीं. ओके, कहाँ गए? यस ठीक है, 4-methyl और फिर क्या हो जाएगा? हेक्सेन. ठीक है, अब देखना बेटा, हेक्सेन में ई नहीं लिखा, याद है ना? ई क्यों नहीं लिखते? एग्जैक्टली यार, ठीक है. अब ये लास्ट वाला वाज वेरी वेरी इजी. यू वुड स्टार्ट फ्रॉम हियर, 1, 2, 3, 4, 5. नाउ नेम दिस कंपाउंड. 3-ethyl, 3-pentanol. अगर एक नंबर पे है तो नंबर नहीं भी लिखोगे तो चलेगा. सो 3-ethyl-pentanol. अब ये देखो आंसर यहीं पे, ठीक है. अब लेट्स गो टू द नेक्स्ट वर्कशीट. अब ये प्राइमरी सेकेंडरी नाम नहीं चाहिए मुझे, मुझे इनके नाम लिख के बताओ कि नाम क्या है. अब ये छोटे वाले इजी वाले हैं, यू शुड बी एबल टू फिनिश इट इन 2 मिनट्स. सो फर्स्ट वन इज 4-chloro-3,5-dimethylphenol. सो वी मेक द फिनाइल, वी मेक द फिनॉल रादर. सो फिनॉल हमारे पास आ गया OH. ठीक है, अब ये एक नंबर कार्बन है, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर. ठीक है, तो 4 नंबर पे क्या है? क्लोरो है. ओके, 3 और 5 पे क्या है? 3 पे एग्जैक्टली CH3 है और यहां से भी CH3 है. सो दिस इज द आंसर ऑफ द फर्स्ट वन. द सेकेंड वन इज अगेन अ फिनॉल. तो हमारे पास ये फिनॉल आ गया ऐसे. ओके, OH. एंड अब कार्बन नंबर्स कैसे देखना है? कार्बन नंबर्स हमें देखना है, कार्बन 1, कार्बन 2, कार्बन 3, कार्बन 4, कार्बन 5, कार्बन 6. 2, 3 and 5 पे इथाइल है, सो 2 पे C2H5, 3 पे C2H5 एंड 5 पे C2H5. तो ये हो गया हमारा ट्राइइथाइल फिनॉल, 2, 3, 5 ट्राइइथाइल फिनॉल. अब पेंटाक्लोरोफिनॉल है, तो अगेन वी नीड टू मेक द फिनॉल. सो वी मेक द फिनॉल. ओके, एंड अ पेंटाक्लोरो मतलब यहां पे भी क्लोरीन, यहां पे भी क्लोरीन, वी हैव द क्लोरीन इन ऑल द प्लेसेस. ठीक है, अब इथर, व्हाट डिड आई टेल अबाउट इथर? ऑक्सीजन इज इन द मिडल. एक साइड से इथाइल है मतलब C2H5 है, दूसरे साइड से साइक्लोब्यूटाइल है, तो साइक्लोब्यूटाइल को ऐसे बना दो, ये बन गया साइक्लोब्यूटाइल. साइक्लोब्यूटाइल इज गिवन लाइक दिस. और इफ यू डोंट लाइक दिस शेप, अगर ऐसा वाला, ब्यूटेन इज बेसिकली व्हाट? अ स्क्वायर शेप, अ क्वाड्रिलैटरल. तो आप इसको ऐसे बना देना, अगर वैसे आपको लग रहा है कि ए, मैं क्या बना रहा हूं, तो आप ऐसे बना दो. तो ये साइक्लोब्यूटाइल इथर हो गया, एक साइड से इथाइल, एक साइड से साइक्लोब्यूटाइल, एंड दिस इज द नेम फॉर द इथर. ओके, नाउ कैन यू डू साइक्लोप्रोपाइल एंड प्रोपाइल इथर एंड डाइसाइक्लोहेक्साइल इथर? इथर का मतलब क्या है? देयर इज एन ऑक्सीजन इन द मिडल बेटा. ठीक है, इथाइल का मतलब क्या है? C2H5. साइक्लोब्यूटाइल क्या होता है? साइक्लोब्यूटाइल कम्स फ्रॉम साइक्लोब्यूटेन. साइक्लोब्यूटेन इज व्हाट? गिवन बाय अ स्क्वायर. साइक्लोप्रोपेन इज गिवन बाय अ ट्राइंगल. साइक्लोब्यूटेन इज गिवन बाय अ स्क्वायर. साइक्लो पेंटेन इज गिवन बाय अ पेंटागन. साइक्लोहेक्सेन इज गिवन बाय अ हेक्सागन. ठीक है, तो इट गोज अकॉर्डिंगली. तो अब जल्दी से करो, साइक्लोप्रोपाइल है, साइक्लोप्रोपाइल मतलब ट्राइंगल यूज होगा. ठीक है, इथर का मतलब, ओके मैं ये दोनों कर रहा हूं. ठीक है, इथर का मतलब ऑक्सीजन बीच में. अब एक साइड में क्या है? एक साइड में साइक्लोप्रोपाइल है, तो आप साइक्लोप्रोपाइल बना देंगे एक साइड से. दूसरे साइड से क्या है? प्रोपाइल है, तो प्रोपाइल का मतलब क्या हो जाएगा? CH2, CH2, CH3. ठीक है, अब यहां पे डाइसाइक्लोहेक्साइल इथर है, तो हाँ जी बेटा,
एग्जैक्टली, क्योंकि दोनों साइक्लोहेक्साइल है, दोनों क्या है साइक्लोहेक्साइल, तो दोनों साइड से हेक्सागन कटिंग आ गया, शाबाश। ठीक है, सो क्लियर हो गया ये चीज बेटा कि कैसे बनेगा ये स्ट्रक्चर्स। ओके, नाउ लेट्स सी इफ देयर इज एनी अदर क्वेश्चन इन दिस। ओके चलो, ड्रॉ द स्ट्रक्चर्स ऑफ दिस, गेट इट ना। नो गाइस, अब सबसे पहले है साइक्लोपेंटेनॉन, तो लेट्स मेक्स पेंटागन। ठीक है, ये आपका पेंटागन बन गया। अब आपको बोला है साइक्लो कंपाउंड है, ठीक है, पेंटेनॉन है, तो यहां पे एग्जैक्टली और दो, एग्जैक्टली दो नंबर पे दो मिथाइल के ग्रुप है, ये बन गया फर्स्ट का आंसर। सेकंड आंसर, इट इज सेड एज हेप्टेनल, सो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और एक नंबर कार्बन पे एच। अब दो नंबर पे मिथाइल का ग्रुप है, दो नंबर पे आपका मिथाइल का ग्रुप है, फिर चार नंबर पे मिथाइल का ग्रुप है, छह नंबर पे मिथाइल का ग्रुप है, तो ये हो जाएगा सी एच थ्री, सी एच, सी एच टू, सी एच, सी एच टू, सी एच। सो दिस इज द आंसर फॉर द सेकेंड वन। सी इज ब्रोमो प्रोपेनॉन। ठीक है, अब प्रोपेनॉन में बेटा, प्रोपेनॉन में द कीटोनिक ग्रुप विल ऑलवेज बी ऑन द सेकेंड कार्बन, इट कैन नॉट बी ऑन द फर्स्ट कार्बन, इट कैन नॉट बी ऑन द लास्ट कार्बन। ब्रोमीन पे अगर नंबर नहीं दिया है तो ब्रोमीन इज ऑन द फर्स्ट कार्बन। सो नाउ व्हेन यू पुट द हाइड्रोजन्स, दिस बिकम्स अ CH2, दिस बिकम्स अ CH3। नाउ अ कीटोन इज देयर, सबसे पहले हमने कीटोन के ग्रुप को बना दिया, अब एक साइड से इथाइल है तो CH2 CH3 हो गया, दूसरे साइड से मिथाइल है तो एक सी हो गया, लेकिन इस मिथाइल में दो क्लोरीन है, इस मिथाइल में दो क्लोरीन है, तो इट बिकम्स अ डाइक्लोरो मिथाइल। सो दिस इज माय आंसर फॉर माय विच पार्ट, द डी पार्ट। अब ई इज एन एसिट एल्डिहाइड, एसिट एल्डिहाइड का मतलब दो कार्बन है, दो कार्बन का एल्डिहाइड है, दिस इज एन एसिट एल्डिहाइड। अब दो क्लोरीन भी है तो यहां पे एक क्लोरीन आ गया, यहां पे एक क्लोरीन आ गया, अब इसमें मेरे पास क्या आ जाएगा, द हाइड्रोजन इज गोइंग टू कम, सो आपका ये बन गया चार बॉन्ड के दोनों कंपाउंड। अब उसके बाद से बेंजल्डिहाइड, बेंजल्डिहाइड इज नथिंग बट आवर बेंजीन का रिंग, बिल्कुल सही। अब दो नंबर पे मिथाइल है CH3, चार नंबर पे मिथाइल है CH3, सो दिस इज माई 2,4-dimethyl बेंजल्डिहाइड। सो इज दिस क्लियर? ओके, तो हमारे पास है सबसे पहले ऑक्सीडेट 5-methyl cyclohexanal। ओके, सो हेक्सेनल 1, 2, 3, 4, 5, 6 डबल बॉन्ड ओ एच, और पांच नंबर 1, 2, 3, 4, 5 पांच नंबर पे मिथाइल है, तो ये हो गया ऐसे। अब बाकी सब जगह हाइड्रोजन डाल दो, हाइड्रोजन डालने का तरीका यहाँ पे 3, बाकी जगह H2 होता है, तो एक और बॉन्ड बन गया था H2 एंड H2, खत्म। अब द नेक्स्ट वन इज अ पेंटेनल, 1, 2, 3, 4, 5 तो डबल बॉन्ड ओ एच पेंटेनल बन गया। 1, 2, 3 तीन नंबर पे मिथाइल, तीन नंबर पे एक और मिथाइल, अब बाकी जगह बाकी हाइड्रोजन डाल दो, तो बाकी हाइड्रोजन डाल दोगे तो क्या बन जाएगा, CH3 CH2, यहां पे कुछ भी नहीं आएगा, CH2 खत्म। अब इट इज अ साइक्लोहेक्सेनॉन, साइक्लोहेक्सेनॉन का मतलब हम क्या करेंगे, हेक्सागन बनाएंगे, हेक्सागन पे डबल बॉन्ड ओ साइक्लोहेक्सेनॉन बन गया, तीन नंबर पे इथाइल है, 1, 2 तीन नंबर पे CH2 CH3 खत्म कहानी। ठीक है, हाँ जी बेटा,